खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बुरहानपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कन्या पूजन कर लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की। बंसल न्यूज से बातचीत में वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। दरअसल कमलनाथ ने ट्वीट कर कन्या पूजन पर सवाल उठाए थे, जिस पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से बातचीत की संवाददाता गोपाल देवकर ने। हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। बात करते हैं, जिस तरह से कमलनाथ जी कन्या पूजन को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी कभी भी इस देश की संस्कृति को न समझ सकते और न समझना चाहते। अगर समझना चाहेंगे तो सोनिया गांधी जी नाराज हो जाएंगी उनसे, क्योंकि उनको इस भारत की भारतीय संस्कृति पर, हिंदू संस्कृति पर, जो इस देश की जीवन पद्धति है उस पर उनको विश्वास ही नहीं है। अच्छा होता कि नव दुर्गे के अंदर कन्या पूजन भारत के कोने कोने में हर आदमी उन कन्याओं का पूजन करके मातृ शक्ति के प्रति अपनी भावनाएं और शक्ति अर्जित करने का काम जो हम करते हैं, ये कमलनाथ जी को स्वयं करते तो अच्छा होता, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने न कभी संस्कृति देखी, न कभी भारतीय संस्कृति के वो इस दिशा में काम करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। कांग्रेस तो अंग्रेजों की मानसिकता का प्रतीक है, इसलिए वो उनको इससे क्या लेना देना भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के, हमारे धर्म के, इन चीज़ों को। वो तो केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं और उस परिवार के आधार पर करना चाहते हैं जो इन सब बातों का हमेशा से विरोध करते आए हैं। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया हो, जिन्होंने धारा 370 का विरोध किया हो, तो कन्या पूजन को कमलनाथ जी न कभी उसका महत्व समझ सकते, उन्होंने कभी भारतीय संस्कृति के प्रति वो अपनी भावनाएं कर सकते हैं, नहीं तो उनकी छुट्टी हो जाएगी बड़ी जल्दी। जिस तरह से भारतीय संस्कृति को कमलनाथ जी नहीं समझ पा रहे, जो वीडी शर्मा जी ने कहा, और उसके बाद जिस तरह से उनके खुद के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल।